Hey guys, welcome back to another video of Skills Matter. तो guys, इस वीडियो में जो मैं आपको Python for Data Science का फ्री सर्टिफिकेट बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर IBM की तरफ से वेरीफाइड बैच मिलेगा और आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको जो है IBM वेरीफाइड बैच भी मिलेगा। तो गाइस इस प्लेटफॉर्म का नाम बता दूँ, इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉग्निटिव क्लासेस। तो गाइस यहाँ पर आपको कॉग्निटिव क्लासेस में अगर मैं कोर्सेज की तरफ ले चलता हूँ तो आपको जो बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ कोर्सेज में आपको तो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, पाइथन फॉर डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, बिल्ड स्विफ्ट, मशीन लर्निंग विद पाइथन, बिल्ड योर ओन चैटबॉट, चैटबॉट, डेवलपर एसेंशियल्स, IBM क्लाउड एसेंशियल्स, बिग डेटा, हडूप, आर प्रोग्रामिंग, डेटा विजुलाइजेशन विद पाइथन, डीप लर्निंग फंडामेंटल्स, आर्किटेक्चर, रिएक्टिव आर्किटेक्चर। तो गाइस यहाँ पर आपको जो बहुत सारे कोर्सेस मिलने वाले और इसका लिंक जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं वहाँ भी इसी तरह की अपडेट्स देते रहता हूँ। तो गाइस मैं आपको जो है एक इस कोर्स के बारे में बताने वाला जो कि पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो गाइस जितने भी कोर्सेज है उनमें से पाइथन फॉर डेटा साइंस का मैं यहाँ पर इस कोर्स कलेक्ट किया, तो मैं आपको जो इसकी सर्टिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको करना है क्या, इस कोर्स को क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको जो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, सबसे पहले आपको साइनअप कर लेना है। जैसे आप साइनअप कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको सिंपली जो गो टू क्लास कर लेना है। जैसे आप गो टू क्लास करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बता दूँ क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलने वाला है और साथ ही साथ एक बैच मिलने वाला है और 5 hours लगेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए। और कोर्स लेवल अगर चेक करेंगे तो बिगिनर लेवल पर कोर्स है। यहाँ पर आपको जो है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और लास्ट में एक फाइनल एग्जाम क्लियर करना होगा। तो मॉड्यूल 1 में पाइथन बेसिक्स है, मॉड्यूल 2 में पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, मॉड्यूल 3 में पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और मॉड्यूल 4 में वर्किंग विद डेटा इन पाइथन। तो गाइस आपको जो कुछ इस तरह का कोर्स कंटेंट मिलने वाला है, आपको सिंपली जो है गो टू क्लास करना है और वीडियो सीरीज को क्लियर करना है और हर मॉड्यूल में आपको जो है कुछ क्विज क्लियर करना होगा। तो गाइस वीडियो में मैं आपको जो है उन क्विजेस के आंसर्स बताने वाला हूँ। जिन लोगों को हेल्प चाहिए और जिन लोगों को अगर आता है या तो वो सीखना चाहते हैं तो आप जो सिंपली यहाँ पर अपना वीडियो एंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे जो आंसर्स बताने वाला हूँ। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या, गो टू क्लास करने के बाद आपको जो है यहाँ पर बता दूँ आपको जो कुछ इस तरह का कोर्स सेक्शन खुलेगा यहाँ पर और आपको बता दूँ वेलकम लिखकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट बता देता हूँ कि किस तरह का आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप प्रोग्रेस में चेक करेंगे तो आपको सिंपली प्रोग्रेस पर क्लिक करना है। प्रोग्रेस पर जाने के बाद आपको सिंपली जो है व्यू सर्टिफिकेट पर जाना है। जैसे आप इसे व्यू सर्टिफिकेट करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है गाइस। और अगर मैं बैक ले लेता हूँ फिर हम चलते हैं क्विजेस की तरफ, यानी क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल है पाइथन बेसिक्स। तो पाइथन बेसिक्स अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो रिव्यू क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने होंगे। तो अगर मैं आपको जो है क्वेश्चंस बता देता हूँ और उनके आंसर्स भी बता देता हूँ, तो सिंपली ये फर्स्ट है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन पाइथन, 3 + 2, 2 × 2। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 7। सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा li। थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा फर्स्ट जो कि 0 × 4, 6। फोर्थ का आंसर है 12। फिफ्थ का आंसर है 3rd और 6th का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। तो गाइस मैं यहाँ पर वीडियो को स्क्रॉल कर लेता हूँ धीरे धीरे ताकि आप जो है आंसर्स को देख सके और इसे जो है कॉपी कर सके। तो मैं बैक ले लेता हूँ कोर्स में वापस चले जाता हूँ, जो कि मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया अपना। फिर हम चलते हैं मॉड्यूल 2 पर। तो मॉड्यूल 2 पर चलते हैं, मॉड्यूल 2 के जो है रिव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं और इसके आंसर्स भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो आपको आंसर्स बता देता हूँ कौन से कौन से। फिर अगर मैं बताऊँ क्वेश्चन 1 का आंसर जो है सेकेंड है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, क्वेश्चन 3 का सेकेंड है, क्वेश्चन 4 का फोर्थ है और क्वेश्चन 5 का जो है वो फोर्थ है। और यही थे 5 questions, इन्हें मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप जो है देख सके स्क्रीन पर। चलते हैं वापस मॉड्यूल 3 की तरफ, मॉड्यूल 2 कंप्लीट। तो मॉड्यूल 3 की तरफ चले तो मॉड्यूल 3 के अंदर जो है प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो इसके रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चंस को फटाफट। तो गाइस बैच भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का बैच मिलने वाला है वीडियो के एंड तक। तो मॉड्यूल 3 में क्वेश्चन 1 का आंसर है फर्स्ट, क्वेश्चन 2 का आंसर है थर्ड, क्वेश्चन 3 का आंसर है फोर्थ, क्वेश्चन 3 का आंसर है फोर्थ और ये डुप्लीकेट ऑफ क्वेश्चन 3, इसका आंसर है फोर्थ और क्वेश्चन 4 का आंसर है फर्स्ट, क्वेश्चन 5 का आंसर है थर्ड। तो उसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप जो है आंसर्स को देख सकें कि कौन सा किसका आंसर है। फिर चलते हैं हम कोर्स की तरफ वापस से और मॉड्यूल था ये हमारा 3, अब चलेंगे मॉड्यूल 4 पर। तो मॉड्यूल 4 पर कर लेता हूँ रिव्यू क्वेश्चंस वापस से और इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा फर्स्ट, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और क्वेश्चन 2। तो गाइस क्वेश्चन 2 यहाँ पर जो है रॉन्ग है, तो क्वेश्चन 2 का आंसर जो रहेगा फर्स्ट या सेकंड में से आप एक क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, क्योंकि मैंने इसका आंसर जो है रॉन्ग दिया है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर तो फर्स्ट है, क्वेश्चन 2 का आंसर देख लीजिए आप और क्वेश्चन 3 का थर्ड, क्वेश्चन 4 का आंसर है थर्ड और ये थे कुछ आंसर्स। फिर हम चलते हैं फोर्थ कंप्लीट हो गया, आप चलिए मॉड्यूल नंबर फाइव के रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। तो यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 5 में क्वेश्चन 1 अगर हम चेक करें तो उसका आंसर है थर्ड,
सेकेंड का है थर्ड, और थर्ड का है सेकेंड, फोर्थ का है फर्स्ट। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, मैं इसे स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर हम चलते हैं फाइनल। तो गाइज आपको जो है 5 मॉड्यूल के रिव्यूज़ क्वेश्चंस में आपको जो कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके बाद आपको जो फाइनल एग्जाम क्लियर करना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ फाइनल एग्जाम पे क्लिक करना है। फाइनल एग्जाम के भी आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, 25 अराउंड या 20 अराउंड 25 शायद से आपको जो है यहाँ पर वो मिलेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखता हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ पर मैं रिव्यू कर सकता हूँ क्या। सिंपली फाइनल एग्जाम्स, तो गाइस यहाँ पर जो मैं फाइनल अपने फाइनल एग्जाम से मैंने क्लियर कर लिया, उसके मैं क्वेश्चंस रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस अगर फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, अगर फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आपको, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले हाँ बैच बता देता हूँ फटाफट कि आपको जो है बैच मिलने वाला है साथ ही साथ। तो चलते हैं कोर्स की तरफ, और मैं यहाँ पर लेता हूँ कंप्लीशन फॉर, हाँ तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड बैच, सर्टिफिकेट और बैच। तो आपको सिंपली बैच पर क्लिक करना है। बैच पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, जैसे इसे वेरीफाई करा लेंगे तो आपको जो यहाँ पर येलो जिस तरह का दिख रहा है वो साइन आ जाएगा। उसके बाद आपको जो इस तरह का पाइथन फॉर डेटा साइंस का बैच मिल जाएगा, आप जो ऐसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फाइनल एग्जाम के आंसर चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है सेंड कर दूंगा आंसर्स फाइनल एग्जाम्स के। एंड स्टे कनेक्ट विद अस, थैंक यू।